हेलो क्लास टेंथ की टूलन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ मैं एन इवनिंग पोएट विथ रेन, जिसे लिखा है डोगरी राइटर वीरपाल दीप ने और इसको बाद में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के अंदर। हम पूरी पोइम को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इसका अच्छा विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पोइम की तरफ चलते हैं। एन इवनिंग वेट विद रेन, इसको लिखा है वेदपाल दीप ने। वेदपाल दीप 1929 में पैदा हुए। वो डोगरी के एक मशहूर शायर हैं और उनकी पब्लिकेशन अस्तेयन बनजारे लोक को जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था और उनकी मृत्यु 1995 में हुई। एन इवनिंग वेट विद रेन के अंदर पोइट को वो शाम याद आती है जब बारिश हो रही होती है और शाम भीगी भीगी शाम होती है। वहां पर चारों तरफ से साइलेंस ही साइलेंस, यानी चुपकी होती है। वहां तनहाई ही तनहाई होती है और अकेलापन होता है। शायर अपने आप से दुखी है, अपने आप से परेशान है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें खोई हैं उन्होंने सारी उम्मीदें, और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी का जो है वो शाम जो है वो रात जो है वो होने वाली है। उसी दौरान उनको अपने बचपन की याद भी आती है और जब वो अपने आंगन में बैठ के बड़ी सारे मंदिरों की धुनें सुना करते थे और वो दिन जो चले गए अब वापस नहीं आते। ये पोइम डोगरी में लिखी गई थी और डोगरी में इसको ट्रांसलेट कर किया गया है। इसके ट्रांसलेटर जो है आपके पास वो है शिवनाथ। ये पोइम डोगरी में जो लिखी गई थी उसका था बदलाए ने सिजरी संजा। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क हो। तो चलिए पोइम की तरफ चलते हैं। एन इवनिंग वेट विद रेन, शाम जो बारिश से भीगी हुई है, वेट है, ठीक है। और एज आई वॉक थ्रू द लेन, जैसे कि मैं गली से गुजरा, लेन होती है गली या रास्ता। द हार्ट बिकन्स द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, दिल ने इशारा किया, बेकॉन्स यानी इशारा किया कि दिल ने क्या इशारा किया, उनके साथ उनका एक साथी भी है, उनके साथ उनका एक साथी भी है जिससे जिसका हाथ वो चाहते थे कि उसका हाथ पकड़ के एक साथ चले। द माइंड ऑल्सो नो द सबटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, और जो दिमाग है वो जानता है हल्के हल्के, सबटल होते हल्के हल्के सिग्नल्स, इशारे हवा के, यानी वहां पे हवा चल रही है और दिमाग जो है वो इशारे समझ रहा है। ऐसा लगता है शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वेफ्ट विद विंड, क्या मैं धरती पर खड़ा रह पाऊंगा या हवा के साथ हचकोला खा जाऊंगा, यानी गिर जाऊंगा। लेकिन फिर भी उनको लगा कि शायद मैं रुक सकता हूं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उनको ऐसे दिमाग में लग रहा है कि शायद उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां चल रही है, शायद उनकी उम्र के आखिरी लम्हे चल रहे हैं। उसके बाद उनके सामने एक काली रात है जहां से वे वापस नहीं आएंगे, ऐसा भी उनको लग रहा है। तभी उनके दिमाग में ऐसी ऐसी सोच आ रही है। अब आगे कहते हैं आसपास का माहौल देख के बता रहे हैं। अब आसपास का माहौल देख रहे हैं। विंडोज डोर्स और ऑनिंग्स, विंडो भी यानी खिड़कियां दरवाजे और ऑनिंग्स होते पर्दे या तरपाल समझ लो आप, घरों के, वो भी भीग चुके। अब बारिश हो रही तो जाहिर सी बात है वो भीगेंगे तो ना, वो तो भीग जाएंगे। कूल ब्रीज स्टियर द लीव्स ऑफ यंडर बनियन ट्री, ठंडी ठंडी कूल होती है, ठंडी ठंडी ब्रीज मतलब हवा, ठंडी ठंडी हवा ने हिला रखा है, स्टीयर कर दिया है, हिला दिया है किसको, पत्तों को, किसके बनियान ट्री जो वहां पर पड़ा हुआ है। यंडर लफ्ज यूज किया इसने, क्या लफ्ज यूज करा है, यंडर यानी वहां पे वो पड़ा हुआ है, वहां पे धरा हुआ है, बनियान ट्री वहां पे पड़ा हुआ है, उसके पत्तों को भी ठंडी ठंडी हवा ने जो है हिला के रख दिया है। आसपास का माहौल बता रहे हैं। फिर कहते हैं The collar of my coat is also wet with drops of rain. जो मेरा कॉलर है कोट का, वहां पर भी बारिश के छींटे पड़ चुके हैं, ड्रॉप्स जो हैं वो गिर चुके हैं। और आगे क्या कहते हैं फिर?
ऑल अराउंड रीन साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। साइलेंस मतलब तन्हाई, वहां पे कोई नहीं है, चुपकी है पूरी तरह से, ठीक है। और आपके पास क्या, रीन, रीन का मतलब हुकूमत कर, हुकूमत हो रही है किसकी, तन्हाई की, यानी छाया हुआ है, कब्जा कर रखा है, यानी तन्हाई ने वहां पर, चुपकी ने कब्जा कर रखा है, आइट साइड दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। My feet are cold with water seeping through my shoes. मेरे पैर जो है वो ठंडे हो गए हैं क्योंकि मेरे जूते जो होते हैं शूज से पानी जो है वो सीप कर रहा है। सीप का मतलब होता है निकलना, बाहर की तरफ आ जाना, रसना जिसको बोलते हैं। जैसे पानी बूटों के अंदर पानी घुस जाता है, शूज के अंदर पानी चला जाता है, और वो जब जूते होते हैं उनमें से जब पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है उसको हम सीप बोलते हैं। तो पानी जो है उस वहां से बाहर आना शुरू हो रहा है। ठंड भी लग रही होगी ना, थोड़ी एज की, एज का फैक्टर है। माई आईज आर हैवी विद स्लीप आर इट इज फीवर, ऐसा लग रहा है या तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। वैसे भी बारिश में थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो तो आदमी को नींद आती है, कहता है हो सकता है मुझे नींद आ रही है, या मुझे बुखार भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, ये सवाल उनके दिल में पैदा हो रहा है। फिर कहते हैं द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। ग्राउंड यानी धरती जो है, जो जमीन जो है वो बिल्कुल स्लिपरी है, स्लिपी स्लिप है चारों तरफ से, फिसलन है, सिर्फ फिसलन है, और यहां पे कोई थोड़ी सी जगह भी नहीं है जहां मैं खड़ा हो पाऊं। फिर कहते हैं द माइंड इज एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट मतलब होना होता है खत्म हो जाना, थक जाना, ठीक है। कहता है मेरा दिमाग भी खत्म हो चुका है, अब मैं किसी लायक नहीं बचा, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा आराम मिले। अब देखिए यहां पर जो वो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे पास लाइनें पड़ी हैं उन लाइनों को आपको समझा रहे हैं या हम खुद समझ रहे हैं। वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है समझ नहीं है, इसके कई वो हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं कि दिमाग अब मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं रेस्ट ले लूं, मतलब इस दुनिया से चला जाऊं, या मैं आराम फरमाऊं। अब आराम फरमाना ही कम लग रहा है, पोइम के अंदर तो सारा सारा ऐसा लग रहा है कि मुझे अब यहां ये दुनिया से निकल जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये सोच रहे हूं क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूं। लॉस ऑफ होप हैज डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माय लाइफ टू, और जो उम्मीद है, उम्मीद ने क्या किया है, मेरी उम्मीद सारी की सारी खत्म हो गई है, और मेरी शाम उससे जो है वो अंधेरी हो चुकी है। शाम जो है, मेरी जिंदगी की शाम अंधेरी होने वाली है, हो चुकी है, और मेरे सामने एक बहुत बड़ी रात मेरा इंतजार कर रही है। And clutters gathering in the mind shed tears as they pass. और जब वो बादल, उस डर के बादल, उस भयानक रात के बादल मेरे दिमाग से गुजरते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो बादल मेरे दिमाग से गुजरते हैं तो मेरी आंखों से बारिश बन के बरस जाते हैं आंसू के रूप। यानी ये देखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पर, कि जो बादल हैं वो दुख के बादल जो है, उम्मीद जो खत्म हो चुकी है उसके बादल जो है, जब उस बारे में वो सोचते हैं तो उनके दिमाग से के गुजरे हुई वो सोच जो है वो आंसू बन के उनके आंखों से नीचे की तरफ आ जाती है। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड, यानी ये वह शाम है जहां हमें बस ट्रबल्स ही ट्रबल्स है, परेशानियां ही परेशानी है। मेरा कंपेनियन मतलब मेरा साथी, वो भी दुखी है। मेरा साथी जो है वो भी दुखी है। कंपेनियन मतलब आप समझ लो, वो उनकी वाइफ उनके साथ है, ठीक है। पहले भी जब वो कह रहे थे कि मेरे साथ है, मैं उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चलना चाह रहा हूं, उनके साथ उनकी वाइफ है, वो भी परेशान है कि जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है जिंदगी के बुरे दिन चल रहे हैं। इनको आप दो तरीकों से समझ सकते हो, दो तरीकों से। लेकिन जैसे पोइम में इवनिंग की बात हुई, इवनिंग के बाद नाइट आती है, मतलब वो जिंदगी के आखिरी दिन है, यानी बुढ़ापे के आखिरी दिन है, और उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनके साथ वो एक साथ इकट्ठे चल रहे हैं।
एंड टेक्स मी अलोंग होल्डिंग मी बाय द आर्म। और उनकी वाइफ जो है, उनकी जो साथी, उनका कंपेनियन जो है, उन्होंने क्या किया है, उनको हाथ से पकड़ के, उनके आर्म को होल्ड करके उनके साथ साथ वो भी चल रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, उनको उनका ही सहारा है। इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड, कहते हैं कि जब मेरा बचपन था उस समय मैं अपने आंगन में, कोर्टयार्ड होता है आंगन में, आंगन में खड़ा रहा करता था अकेला। और क्या होता था, एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉट द साउंड्स ऑफ सिंबल्स। और जब वहां से जो हवा चलती थी तो मंदिरों में जो मंजीरे बजते हैं, करताल बजते हैं, उनकी जो आवाज आती थी वो आवाज मेरे कानों से गूंजती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वी रेग्रेट दैट द डेज गॉन बाई डोंट रिटर्न। बस हमारे पास एक ही चीज है और वो है रेग्रेट, यानी पछतावा, कि जो दिन हो गए, जो चले गए, जो दिन बीत गए, वो बीत गए दिन, बस वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। बस वो हमारे पास सिर्फ क्या है, उसका पछतावा है, सिर्फ रेग्रेट है, दुखी है हम उस चीज को लेके, ठीक है। बीत गए रे दिन, बीत गए, जो दिन बीत गए वे वापस नहीं आते। शायद हो सकता है उनको अपनी जिंदगी से ये कुछ रिपेंट करना चाह रहे हैं, वो उनको पछतावा है, उनको अपनी कर्म जो है उनसे कुछ पछतावा है, ऐसा कुछ लग रहा है। और वो दिन सुनहरी भी तो होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, कहते हैं काश शायद वो दिन आ जाते तो कितना अच्छा होता। हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन, अब वह समय जो चला गया वो समय वापस कहां आएगा। और वो सच बात है, एक बार जो समय चला गया वह समय कभी वापस नहीं आता, ना आज तक किसी का आया है ना कभी आता है। वैसे भी समय जब एक बार हाथ से निकल जाता है वह समय कभी वापस नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शायद भी इस चीज से काफी दुखी है कि उनके हाथ से जो समय निकल गया, जो उसमें शायद वो अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छा भी कर सकते थे, बहुत बहुत सुखी भी रह सकते थे, वैसा नहीं है। और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, बस उनका कंपेनियन, उनके साथ उनकी वाइफ है। और कंपेनियन, कंपेनियन की जो बात चल रही है, कंपेनियन हो सकता है वो अपनी डेथ को भी कह रहे हो। कभी कभी मौत भी साथ बन के चलती है, तन्हाई का आलम है, तन्हाई की बात कर रहे हैं वो, तन्हाई है, अकेलापन है, तो उनके साथ दूसरा कौन हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। हो सकता है अपनी मौत को अपनी दूसरा, अपना दूसरा साथी समझ रहे हूँ कि वो मुझे साथ लेके चल रही है और जब वो समय आएगा मुझे लेके जाएगी। The evening prepared to go to sleep in lap of night. अब शाम जो है वो तैयारी कर रही है, prepare का मतलब तैयारी कर रही है सोने की गोद में, lap होती है गोद, किसकी गोद में, रात की गोद में शाम सोने की तैयारी कर रही है। कहने का मतलब दिन ढलने वाले हैं, रात आने वाली है, रात अब पास है, जिंदगी की रात अब पास है। Slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो अंधेरा है, आसमान जो है वो जमीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रहा है, यानी रात जो है वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर कब्जा जमा रही है, कब्जा कर रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है। Shadows of trees रेस्ट इन द डार्क टेंट, और आपके पास जो शेडोज है, जो आपके पास साए हैं दरख्तों के, पेड़ों के, वह भी गुम हो रहे हैं, छुप रहे हैं। अब लफ्ज यहाँ पे जो डार्क टेंट यूज हुआ है ये कुछ अलग ही वर्ड यूज हुआ है, ये कुछ डार्क टेंट यूज नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हुआ है। अब ट्रांसलेटर ने कैसे इसको यूज करा है, कर गए वो, कि डार्क टेंट यानी काले तालाब में। अब ये काला तालाब किस चीज की इमेजरी, इस बात की कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि अगर ये पोइम एक्चुअल डोगरी में होती तो फिर इसके कुछ मीनिंग अलग समझ आते हैं। यहाँ पर कुछ मीनिंग कुछ थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं ट्रांसलेशन पे। फिर भी जो ट्रीज के साए हैं, जो शेडोज हैं, वो गहरे, यानी डार्क टैंक का मतलब समझ लीजिए रात में गुम हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं, यहाँ पे तालाब नहीं है, डार्क टैंक आप समझिए यहाँ पे रात की बात कर रहा है वो। एज सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट शेडो अवर हिल्स, बादल ऊपर से उड़ रहे हैं और वो पहाड़ों के ऊपर से अपना साया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है।
ये वहां का माहौल बता रहा है, ये एटमोस्फेयर बता रहा है वहां का. देयर इज एक्टिविटी इन हाउस लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स. वहां पर घरों के अंदर कुछ चहल पहल है, कुछ एक्टिविटी है उन घरों के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहे हैं. लिट लाइटर्ड यानी जल रहा है, डाल रहा है, वो रोशनी डाल रहा है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है क्या डाल रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं. मून लाइट लॉफ्ट्स होल्डिंग द हैम ऑफ मून. यहां पर थोड़ा ये थोड़ा जबरदस्त चीज है. चांदनी चांद के चारों तरफ रोशनी फैला के हंस रही है, मुस्कुरा रही है. हैम यानी रोशन हुई है, चमकी हुई है, ठीक है. हैम रोशन है यानी चमक रही है. चांदनी जो है वो अपने चारों तरफ से क्या कर रही है, रोशनी डाल के मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है. वो जहां तक वो फैल रही है ना, वहां तक ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी मुस्कुरा रही है, रात का समय बयान कर रही है. वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज द हरी. कहता है मेरी मंजिल कहां है, मेरा मकाम कहां है, मुझे कहां जाना है और मुझे इतनी जल्दी क्यों है. हरी जल्दी होती है, मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूं, मुझे किस चीज की परेशानी है, मेरी मंजिल कहां है, मुझे जाना कहां है, मुझे खुद भी मालूम है. बस एक ही जगह मुझे मालूम है. लाइट ऑफ अर्थन लैम्प इन वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी. एक ही साइड में, रास्ते के किनारे, वे साइड लिखा है इसने, यानी मतलब रास्ते के किनारे, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते के किनारे एक मिट्टी का दिया जल रहा है और वहां पर एक छोटा सा घर है, उस घर में मेरा इंतजार हो रहा है. उस घर में मामूली सी सराय में, इन तो होती है ना आपके पास सराय जिसको बोलते हैं रहने की जगह, जैसे होटल्स वगैरह होते हैं उसको, वहां पर मेरा इंतजार हो रहा है. यानी वह अपने आप से काफी दुखी है और अपनी जिंदगी से भी काफी दुखी है. उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी जिंदगी के आखिरी पल जो है वो चल रहे हैं. आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ साथ रहिएगा अगले चैप्टर में और अगले क्वेश्चंस के साथ. आपके साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकॉन पे टैप भी जरूर करना है ताकि आपको और वीडियोस मिल पाए. धन्यवाद.